घर से निकला तो था वो बच्चों के लिए रोटी कमाने, मगर हफ्तों बीत जाने के बाद भी न वो लौटा और ना ही उसकी कोई खबर आई। मामला सराय हकीम मोहल्ला तकिया का है, जहां अपनी बीवी और तीन मासूम बच्चों को छोड़कर कल्लू जाने कहां चला गया, ये किसी को नहीं पता था। रूबीना बेचारी अप्रिय की आशंका से भयभीत होकर आंसू बहाए जा रही थी। बच्चे भी मायूस और परेशान थे कि उनके अब्बू अब तक घर वापस क्यों नहीं लौटे। एक दिन अचानक कल्लू का फोन आया कि उसे पुलिस ने पकड़कर किसी गांव में क्वारंटीन कर दिया है। वह कहां है उसे खुद भी नहीं पता। इतना सुनकर रूबीना की जान में जान तो आ गई, मगर फिर एक अनजाना डर उसे सताने लगा। डेढ़ महीना बीत जाने के बाद घर में भूखमरी के हालात पैदा हो गए और सरकारी मदद भी रूबीना के लिए पर्याप्त नहीं थी। मेरे हस्बैंड का नाम है कल्लू, मोहम्मद कल्लू। वो मिस्त्री का काम करते हैं, हाथरस गए थे काम करने, कोई मज़ार का काम था वो बनाने गए, वहाँ से लौटते में आ रहे थे काम करने, तो वहाँ से उन्होंने पकड़ लिया पुलिस वालों ने। और ये बता रहे थे फ़ोन पे कि है ना वहाँ से आते में जो है ना किसी गांव में लेके गए उन्हें, और वहाँ पे स्कूल में बंद कर रखा है। और उनका एक बार फ़ोन आया, बस यही बता रहे थे, कह रहे मुझे पता नहीं है कौन सा गाँव है कहाँ पर। उन्हें हो गए डेढ़ महीना करीब हो जाएगा। और क्या परेशानी है? 20 मार्च को यहाँ से गए थे घर से, वो जब से लौटे नहीं है। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यह है काम करने वाले हमारे है नहीं, तो खाने पीने की परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। महल्ले पड़ोस वाले हमारी मदद कर रहे हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? क्या चिंता सताती रहती है? बस उन्हीं की फिक्र रहती है कि कब आ जाएंगे, आज दिन ये लगा रहता है अब आएंगे, लेकिन ये डेढ़ महीने से आए नहीं है। वो दो लड़की है, एक लड़का है मेरा, छोटे छोटे बच्चे हैं। 10-12 दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं लगा, और फ़ोन भी नहीं लग रहा, स्विच ऑफ जा रहा है उनका। स्थानीय लोग बताते हैं कि कल्लू राज मजदूरी का काम करता है और पिछले दिनों हाथरस में काम करने गया था, तभी से वापस नहीं लौटा। ऐसे में परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। परेशानी ये 20 मार्च से लापता है, लॉकडाउन से 2 दिन पहले से यहाँ पर इनका कोई पता नहीं है। इनसे 12 दिन पहले बात भी हुई थी इनकी पत्नी की, उन्होंने बताया कि मुझे किसी पुलिस ने पकड़कर किसी स्कूल में किसी गांव में क्वारंटीन कर दिया या क्या कराया ये नहीं पता, और किस गांव में ये भी नहीं पता। यहाँ के सराय लवरिया जो सराय हकीम में आता है, हलवाई वाला कब्रिस्तान है उसके पीछे वाली गली है, वहाँ के रहने वाले हैं। परेशान ये राज मजदूर का काम करते हैं, जिसमें ये मजदूरी का करने के लिए गए थे वहाँ पर, वहाँ से ये जब से अब तक लापता हैं। बात भी होती रही लेकिन ये भी नहीं पता कि किस गांव में है कहां पर है, कोई इनका सुराग नहीं लग पा रहा। परिवार का क्या हाल है? परिवार की हालत अब एक ही कमाने वाले थे, बच्चे छोटे छोटे हैं, सबसे बड़ी बेटी 4 साल की है, आप खुद लगा सकते हैं, सबसे छोटा बेटा 8 महीने का है। उसके बाद परिवार की हालत तो खस्ता है, अब मोहल्ले वाले मदद कर रहे हैं। पति के वियोग और चिंता में डूबी हुई रूबीना को गुरुवार को एक अच्छी सूचना मिली। कल्लू का फोन आया कि वह ठीक ठाक है मगर किसी स्कूल में क्वारंटीन है। पति की कुशल क्षेम से राहत तो मिली, मगर पलट कर देखा तो घर में एक वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं था। मगर ये दिन शायद रूबीना के लिए ज्यादा ही अच्छा था। समाजवादी पार्टी के नेता सलमान शाहिद अचानक फरिश्ते की तरह आ गए और रूबीना की झोली राशन व खाने पीने के सामान से भर दी। ये सब देखकर रूबीना की आंखों में आंसू भर आए और वह कृतज्ञता का भाव प्रकट करने लगी। प्रशासन जो है कोरोना के प्रकोप की वजह से लोगों को रोककर क्वारंटाइन तो कर रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहा। तमाम शिकायतें मिल रही हैं कि खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, लोग परेशान हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ प्रदेश में सभी प्रशासनिक लोगों से कि ये जो महामारी है, लोग परेशान हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त कर ली जाएं, कम से कम जब आप जिसको क्वारंटाइन कर रहे हैं कि उसको बेहतर सुविधा मिल सके। बाकी हम सभी सामाजिक लोग
जिसका भी जो कर्तव्य है वो पूरी ईमानदारी से निभा रहा है कि हमारे शौहर घर आ जाए तो हमारी जो ये भी तकलीफ हमारी दूर हो जाती, हम ये चाहते हैं। रूबीना को धीरे धीरे ही सही मगर मुश्किलों से राहत मिल रही है। घर में भोजन का इंतजाम भी हो गया है। अब इंतजार है तो बस उस पल का जब उसका पति कल्लू वापस घर लौट आए। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट।